टाटा पंच भाई आ चुकी है अब ICNG के अंदर और इसकी ऑफिशियल बुकिंग चालू हो चुकी है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि 11,000 रुपए से आप प्री बुक कर सकते हो टाटा पंच का ICNG वेरिएंट। और अब भाई डीलरशिप पे भी आ चुकी है टाटा पंच ICNG के वेरिएंट, जिसके अंदर कुछ बेस मॉडल हैं, कुछ टॉप मॉडल हैं। तो मतलब आपको भी पता है कि टाटा पंच एक ऐसी गाड़ी होने वाली है जो अपने सेगमेंट को खड़ा करने में भाई सबसे बड़ा हाथ इसी का है, क्योंकि इसी ने नींव रखी थी मिनी SUV सेगमेंट की, जिसको देखम देख भाई हायुंडई ने निकाली अपनी एक्स्टर और एक्स्टर के अंदर दे दी CNG। और जैसे ही CNG दे दी तो भाई लोग कह रहे भाई अब तो कौन लेगा पंच, क्योंकि पंच में तो CNG आती नहीं थी, लेकिन लो भाई पंच में भी CNG आ गई, बुकिंग भी चालू हो गई, गाड़ी डीलरशिप पे भी पहुंच गई है। बहुत ही जल्द भाई इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि भाई अब ऑफिशियली हम इसको अनवील कर रहे हैं और इसकी बुकिंग करके आप गाड़ी ले सकते हो, और 1 से 1.5 महीने में ये गाड़ी ना लोगों के पास दिखना भी चालू हो जाएगी और इसके बेस मॉडल से ही CNG आपको मिलने वाली है। और मेरे हिसाब से ना ये आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड कराती है इन कंपैरिजन ऑफ एक्स्ट्रा, क्योंकि वो एक हैचबैक है, मतलब एक तरीके से उसका जो प्लेटफॉर्म है वो हैचबैक का है, फिर उसको एक्सटेंड किया गया है भाई। ये एक नया प्लेटफॉर्म है पूरा का पूरा, जो कि 5-स्टार सेफ्टी रेटेड है भाई GNCAP के अंदर। मतलब आपको सेफ गाड़ी मिलेगी, वो भी CNG के अंदर, ऊंची गाड़ी मिलेगी, चौड़े टायर मिलेंगे, सब कुछ एक बढ़िया SUV वाला मिलेगा। टाटा पंच ICNG में आपको एक फायदा एक्स्ट्रा मिल जाता है कि एक्स्ट्रा के अंदर जो भाई CNG है वो सेकंड बेस से चालू होती है और उसका जो प्राइस है 8,29,000 रुपए लमसम एक शोरूम में पड़ता है, और इसके अंदर जो भाई आपको CNG मिलेगी वो बेस वेरिएंट से स्टार्ट होगी। अगर इसका पेट्रोल बेस वेरिएंट आपका 6 लाख का है लगभग में 6 लाख रुपए एक्स शोरूम के हिसाब से, तो उसमें आप 1 लाख रुपए ऐड कर लेना ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के, क्योंकि ऑल्ट्रोज के अंदर भी जब CNG वेरिएंट आया था ट्विन सिलेंडर की जो कॉस्ट है वो लगभग में 1,03,000 रुपए रखी गई थी ऑल्ट्रोज के केस में, और ये भी भाई वही ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी पे बेस है, तो 1,03,000 रुपए ही इसकी बढ़ाई जाएगी। अगर सिंगल सिलेंडर होता तो वही 70,000 से 80,000 रुपए देखने को आपको मिलता। तो मेरे हिसाब से ना ये आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि बहुत लोग हैं, मेरे ख्याल से टाटा पंच में सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट ही उसका प्योर वेरिएंट है, क्योंकि लोग लेके और उसमें थोड़ी मोटी मॉडिफिकेशन करा के भाई अपना काम चलाते हैं और बढ़िया गाड़ी चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा है वो उसका भाई एडवेंचर वेरिएंट ले लेते हैं, कोई रिदम पैक लगा लेता है, क्योंकि कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको इतने सारे दे रखे हैं टाटा पंच के अंदर, और सेफ्टी के लिए आपको इसके अंदर सोचने की जरूरत नहीं है। अगर टाटा बना रही है CNG के साथ बना रही है, ट्विन सिलेंडर के साथ बना रही है, तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। बात करते हैं भाई फ्यूल एफिशिएंसी की, भाई 4 सिलेंडर इंजन है, हायुंडई का इंजन है, वो थोड़ा सा ना ऐसा है कि आपको पेट्रोल पे कम माइलेज देगा, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ टाटा पंच वो टाटा पंच आपको ज्यादा माइलेज देगी। लेकिन वहीं पे बात करें रिफाइनमेंट की, तो वही वो हायुंडई की गाड़ियों में आपको ज्यादा मिलता है, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट नहीं है, बिल्कुल वाइब्रेशन फील नहीं होगी। और भाई मैं ठहरा ओल्ड स्कूल, मुझे वो गाड़ी पसंद है जिसके अंदर भाई थोड़ी फील है, तो ऐसी गाड़ियां चला गया जिसमें मतलब क्लच भी दबा लिया आपने और पता ही नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट है नहीं स्टार्ट है, क्या आप उसको भगाओगे? तो ये एक चलो एक पर्सनल कंसर्न है। बाकी टाटा की रिफाइनमेंट भी आजकल बहुत टॉप नॉच होने वाली है और टॉप नॉच ही चल रही है, CNG के अंदर इसका कोई भी जवाब नहीं है, और बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही डीलरशिप पे आती है मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, और जो मैंने प्राइस कोट किया है वीडियो के अंदर आप देख लेना, उसी के आसपास इसका प्राइस होने वाला है। जो भी ले रहे थे एक्स्ट्रा भाई उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक्स्ट्रा CNG ले रहे थे तो एक बार ना भाई कुछ दिन के लिए उसको बुक कर लो, लेकिन डिलीवरी मत लेना, और इस गाड़ी की तरफ भी एक बार देख लेना, चला के देख लेना, क्या पता आपको भाई CNG के साथ बूट ज़्यादा प्रैक्टिकल लगे इन कंपैरिजन ऑफ भाई रिफाइनमेंट। तो भाई ये सब आपकी चॉइस है, आपको रखनी है गाड़ी। और वैसे CNG गाड़ियों के साथ एक दिक्कत रहती है बूट स्पेस की, तो टाटा ने इस चीज़ को सॉल्व किया है, उम्मीद करता हूँ हायुंडई भी करेगी, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेना। और कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।